भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है शिव भक्तों आज मैं आपको इसी बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और जो भी कोई सच्चे शिव भक्त हैं और शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वह इस कहानी को जरूर सुने कभी कभी इंसान अपने आप को इतना चल्लाक समझ लेता है कि उसको लगता है कि शायद मेरे जैसा समझदार और दिमाग वाला कोई नहीं है भगवान अगर दिमाग देता है अच्छे लोगों को अच्छे काम के लिए देता है इसका मतलब यह नहीं कि आप अगर समझदार हो तो किसी और को बर्बाद करने के लिए तुल जाओ श्यामलाल बहुत ही बुद्धिमान और चलाक व्यक्ति था गांव के लोग हर बात का फैसला करने के लिए सबसे पहले उसको ही बुलाते थे वह जो भी फैसला सुनाता था लोगों को वही मंजूर होता था श्यामलाल के गांव में एक लड़के ने अपने ही गांव की गोत्र की एक लड़की से शादी कर ली पूरे गांव में शादी के चर्चे होने लगे कि ऐसे एक गोत्र में शादी करना अपराध है अब श्यामलाल ने गाँव में पंचायत बिठा ली और कहा यह गलत है हम हमारे गोत्र में ऐसा नहीं कर सकते यह लड़की हमारे गांव की बेटी है और हमारे गांव की बेटी और ऐसी शादी गांव में मंजूर नहीं है और इस सारे मामले में श्यामलाल ने सबसे ज्यादा भाग लिया अब दोनों को यह फैसला सुना दिया गया जिसके कारण दोनों को भाई बहन बनने के लिए मजबूर होना पड़ा पर शायद भगवान सब कुछ देख रहा होता है जब दोनों ने शादी कर ली तो उनको कोई भाई बहन कैसे बना सकता है इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता दोनों को गाँव से निकाल दिया गया और कहा अब तुम दोनों शादी करके इस गांव में नहीं रह सकते क्योंकि यह लड़की हमारे गांव की बेटी है और हम अपनी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर नहीं रख सकते चलो जो भी हुआ पंचायत का फैसला दोनों ने मान लिया और वह गांव छोड़ के कहीं और रहने लग गए ऐसा करते करते समय बीत गया कुछ साल बाद श्यामलाल की बेटी जवान हुई और उसकी बेटी ने भी किसी लड़के से लव मैरिज कर ली और यही कहानी फिर से दोहराई गई उसकी लड़की ने भी गोत्र वगैरह सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने प्यार को देखा और किसी की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली और यह बात उस लड़की तक भी पहुंच गई जिसको श्यामलाल ने भाई बहन बनने के लिए मजबूर किया था लड़की के मुंह से बस यही शब्द निकले कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं वह हर इंसान को उसके बुरे कर्मों का हिसाब किताब यही कर देता है और आज मुझे इंसाफ मिला है जब श्यामलाल ने गांव में मेरे लिए पंचायत बिठाई थी तो मेरी आंखें ही नहीं मेरी आत्मा भी रोई थी शायद इसी बुरी हाय का नतीजा है कि श्याम लाल के घर ऐसी बेटी पैदा हुई कि उसने पूरे समाज के सामने श्याम लाल की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसलिए कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी तरफ भी देख लो कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी औलाद हमारे साथ पता नहीं क्या कर दे भगवान हमें ही नीचा देखने के लिए मजबूर कर दे कभी भी अपने आप को आप चाहे कितने भी बुद्धिमान इंसान हो पर भगवान किसी को अपने से ऊपर नहीं होने देता इसीलिए शिव भक्तों हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हम किसी के साथ करते हैं वह उल्टा लौट कर हमारे पास जरूर आता है अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह भी हमें ज़रूर मिलता है और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वह हमें दोगुना होकर वापस मिलता है अगर कहानी में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं और आपको भगवान के न्याय पर विश्वास है तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें